गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि आप जेपीजी इमेजेस को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कोई भी इमेज हो उसको पीडीएफ फाइल में कैसे बना सकते हो। और जो मैं तरीके से बताने वाला हूँ उसमें किसी ऐप की डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको ब्राउज़र से काम करना है। सिंपल आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, उससे आप इजीली किसी भी इमेज को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको दिखाया था मेरे पास कुछ इमेजेस डाउनलोड करी हुई रखी हुई हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इमेजेस कहाँ पर है मेरी। देखो, मैं अपने फोल्डर ओपन करता हूँ, डाउनलोड्स में आता हूँ। देखो, चार इमेजेस मेरे पास ये हैं। मैं इसको पहले तो मैं इसको लार्ज आइकन कर लेता हूँ। देखो, मेरे पास चार इमेजेस हैं, तीन लैंडस्केप में, एक पोर्ट्रेट में है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चार इमेजेस को कैसे कंबाइन करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आपको आना है, ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, आप कोई ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो काम ये मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हो, आपको सेम स्टेप्स हैं। पर आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आपसे वो नहीं होता है मोबाइल में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको मोबाइल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है और गूगल में यहाँ पर टाइप करना है स्मॉल पीडीएफ। आपको गूगल में ये टाइप करना है स्मॉल पीडीएफ, जो मैं आपको टाइप कर रहा हूँ आपको यही टाइप करना है। तो स्मॉल पीडीएफ टाइप कर लोगे, जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है smallpdf.com। सिंपल आपको इसे ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक वेबसाइट ओपन हो रही है। तो हमारी यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो JPG टू PDF लिखा रहा है। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा रहा है चूज़ फाइल। आपको यहाँ पर जो आपको PDF बनानी है वो इमेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसको आप PDF में बनाना चाहते हो। तो मैं इन चार इमेजेस को PDF में बनाना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको एक इमेज PDF में कन्वर्ट करनी है तो आप एक इमेज सेलेक्ट करो। अगर आपको बहुत सारी इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करना है तो आपको सारी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर सारी सेलेक्ट कर ली है, आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर ओपन कर लोगे, ये हमारे सारी जो हमने अपलोड करी है फ़ोटोज़ वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। आपको एक बार चेक कर लेना है कि किस ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ से ऑर्डर नंबर 1, ये 2 है, ये 3, ये 4। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आपको सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे इसको साइड कर देना है, ऐसे ड्रैग कर देना है। जैसे आप कर लोगे ये ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा। मैं ये इस इमेज को सबसे लास्ट में लगाया तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। इस हिसाब से आप ऑर्डर किसी भी ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चेक करना है A4 साइज़ आपको रहने देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटो आपको देख लेना है, ऑटो में आपको PDF बनानी है या फिर पोर्ट्रेट बनानी है। देखना, ये तीन हमारी जो फाइल है, पहली दूसरी तीसरी हमारी लैंडस्केप में और एक चौथी है पोर्ट्रेट में, ठीक है। मैं इसको जैसे पोर्ट्रेट सेलेक्ट करता हूँ, जो पेज है देखो सारे पोर्ट्रेट हो गए और इमेजेस हो गई हमारी छोटी। देखो इमेज छोटी हो गई और ये हमारी सारी चारों पोर्ट्रेट हो गया। अब मैं यहाँ से लैंडस्केप करता हूँ, देखो तीन पेज है हमारे लैंडस्केप हो गए और चौथा भी लैंडस्केप हो गया और इमेज हमारी छोटी हो गई। इस हिसाब से हमारी जो PDF बनेगी वो लैंडस्केप में बनेगी। मैं यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करूँगा, जो इमेज हमारी लैंडस्केप में वो लैंडस्केप में रहेगी, जो पोर्ट्रेट में वो पोर्ट्रेट में रहेगी, ठीक है। आप चाहो किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हो, मैं यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ। अगर आप कोई भी मिसिंग हो जाती है फ़ोटो तो यहाँ से ऐड फाइल करके से आप कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हो। मैं चाहूँ यहाँ से इमेज एक और ऐड कर सकता हूँ। देखो एक और इमेज यहाँ पर ऐड कर ली है। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ़ इमेजेस को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक बार सेलेक्ट हो जाए सब तो यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है कन्वर्ट। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो इमेजेस हैं PDF में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ज़्यादा वेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल एक या दो मिनट ही वेट करना पड़ेगा, उससे आपको PDF रेडी हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपकी PDF फाइल कैसे दिखने वाली है। तो डाउनलोड करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपकी PDF सही दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारी PDF बन के रेडी हो चुकी है। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ एक बार। देखो PDF फाइल हमारी ऐसे दिखने वाली है, एक बार आप चेक कर सकते हो। पहला पेज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा हमारा इस टाइप से कुछ दिखने वाला है और पाँचवा ये रहा। आप एक बार देख सकते हो इस हिसाब से आपकी PDF बनेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड लिखा रहा है। सिंपल आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और देखो फाइल का साइज़ भी यहाँ पर लिखा गया 1.67 MB की हमारी फाइल होने वाली है। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा हमारी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। देखो ये हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारी ये इमेज से PDF में कन्वर्ट हुई है।
तो डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको करता हूँ शो इन फोल्डर करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। देखो ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है। देखो पहला पेज ये रहा, दूसरा इमेज ये रहा, तीसरा पेज ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा रहा। तो जो हमारी इमेजेस थी सारी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो गाइज़ आप लोग भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। अगर आप लोग फ़ोन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेम स्टेप्स आपको फॉलो कर लेने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा फ़ोन के लिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।